आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से कहा है कि चीन के साथ मतभेद को झगड़े की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। महाबलीपुरम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2000 सालों के अधिकांश कालखंड में भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही हैं। अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल चीन के शहर वुहान में हमारे इनफॉर्मल समिट से हमारे संबंधों में गर्मजोशी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने तय किया था कि हम मतभेद को आपसी सहमति से सुलझाएंगे और इसे विवाद नहीं बनने देंगे, एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महाबलीपुरम में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वे भारत की मेजबानी से अभिभूत हैं। उन्होंने और चीन से आए उनके सहयोगियों ने इसे महसूस किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दौरा उनके और उनके साथियों के लिए यादगार दौरा रहेगा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा कि कल पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को द्विपक्षीय मुद्दों पर बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी। शी जिनपिंग ने कहा कि अनौपचारिक बातचीत से रिश्तों में नई गर्माहट आई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खास भेंट ताज फिशरमैन होटल में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैंडलूम और कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी ने चीन राष्ट्रपति को भारत की कलाकृतियों के बारे में बताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सिल्क के कपड़े पर बनी एक तस्वीर भेंट की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के बीच शनिवार सुबह पीएम मोदी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल मॉर्निंग वॉक के दौरान समुद्र किनारे पहुंचे मोदी ने देश की जनता को एक बार फिर स्वच्छता का संदेश दे दिया। जिस वक्त वे मवल्लापुरम के तट पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस दौरान किनारे पर एक पड़ा कचरा देख मोदी सफाई में जुट गए। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी मॉर्निंग वॉक के वक्त समुद्र के किनारे आई प्लास्टिक की बोतलों सहित अन्य गंदगी को साफ करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक सूट में दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली है, जिसमें वे समुद्र किनारे से मिल रहे कचरे को जमा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें प्लास्टिक की थैली के साथ ही प्लास्टिक की बोतलें भी मिली, जिसे उनके द्वारा जमा किया गया। इसके बाद आखिर में उन्होंने इसे साथ में मौजूद एक कर्मचारी को थमा दिया। पीएम मोदी द्वारा समुद्र तट की गई सफाई का वीडियो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि आज सुबह ममल्लापुरम समुद्र तट पर मौजूद कचरे को साफ किया, लगभग आधे घंटे तक वहां रहा, अपने द्वारा कलेक्ट किए गए कचरे को जयराज को दिया जो होटल स्टाफ से जुड़े हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पब्लिक प्लेस साफ सुथरे रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम फिट और स्वस्थ रहें। पौधारोपण घोटाले को लेकर वन मंत्री उमंग सिंघार ने इसके लिए सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री गौरीशंकर सेजवार, वन विभाग के विकास शाखा के मुख्य वाई सत्यम और अभियान के नोडल अधिकारी बीवी सिंह सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को प्रकरण सौंपने की तैयारी कर ली है। वन मंत्री सिंघार ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने के लिए लालच में पूर्ववर्ती सरकार ने 2 जुलाई 2017 को आनन फानन में पौधारोपण अभियान चलाया। प्रदेश में 5 करोड़ पौधे नहीं थे तो दूसरे राज्यों से पौधे खरीदने की अनुमति दी गई, जेसीबी से गड्ढे खुदवाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 2 महीने की तैयारी में 7 करोड़ पौधे रोपने पड़े। 18/4/2017 मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुए कि गिनीज वर्ल्ड 2 जुलाई को करना है और उसके लिए तैयारी करना है। अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि 3 महीने पहले जो आदेश जारी हुए, तो 3 महीने के अंदर कमेटी बनाना, नीचे तक जमीन तक पहुंचाना जो असंभव काम था प्लांटेशन के, पौधे तैयार करने के लिए 2 साल का समय लगता है जब जाके पौधे तैयार होते हैं। लेकिन
इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर ही 450 करोड़ के पौधे का प्लांटेशन की आवश्यकता पड़ी। सिंघार ने कहा कि रोपने योग्य पौधे कम से कम 2 साल में तैयार होते हैं, फिर भी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए सरकार ने पैसा पानी की तरह बहा दिया। सिंघार ने कहा कि पौधारोपण के नाम पर सीधा सीधा घोटाला किया गया है, जो मैदानी जांच में प्रमाणित हो चुका है, इसीलिए आगे की कार्यवाही के लिए यह मामला ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं। मंत्री सिंघार ने बताया कि इस घोटाले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और अब इसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार के पास एक दिन में 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराने को लेकर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यह फाइल मंत्रालय से गायब हो गई है। घोटाले की जांच के लिए बनाई गई 4 मंत्रियों की कमेटी की बैठक ना होने पर मंत्री सिंघार ने कहा कि वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया था, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी से पहले जांच करा ली। सरकार के कुछ बड़बोले मंत्रियों के बयान और सत्ता में आने के लिए किए गए वादे अब सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का एक और अजीब सा बयान सामने आया है। मंत्री जी ने कहा है कि प्रजातंत्र में हड़ताल करने का अधिकार सभी को है और जो वादा किया है पूरा करना हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार 5 साल के लिए बनी है, यह वादा नहीं था कि 5 महीने में सब मांगे पूरी कर देंगे। किस हाल में प्रदेश हमें मिला है यह सब जानते हैं। आज अगर सबकी मांगे मान लेंगे तो फिर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी। मतलब मंत्री जी का कहना है कि जनता 5 साल इंतजार करे। मंत्री जी बयान देते समय ये भूल गए कि सत्ता हथियाने के लालच में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात के अलावा पुलिस वालों की छुट्टी की बात भी कही थी, मगर एक भी वादा पूरा ना हुआ। हुआ तो ये कि मंत्री पटवारी ने पटवारियों पर आरोप मढ़ दिए। खैर, मंत्री गोविंद सिंह ने निवेदन भी किया है कि धैर्य रखे, सरकार वादा पूरा करेगी। भोपाल में 2 नगर निगम पर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी का काम विरोध करना है, ये अच्छे काम का विरोध करते हैं, ये चाहते हैं कि चितभीन की और पटभीन का, सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे। जब पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव ऐसे होता है तो फिर नगर निगम भी ऐसे हो तो क्या विरोध। सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा बीजेपी ही बढ़ाती है, देश को बांटती है बीजेपी। जब बात पोस्टर पर एक साथ सिंधिया और अमित शाह के फोटो की आई तो गोविंद सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम होना चाहिए राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम इसी प्रकार षड्यंत्र की सीख देने का है। बचपन से ऐसी सीख दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, षड्यंत्र फैलाओ। और मैं तो साफ कहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है ये संस्था का नाम, असली नाम होना चाहिए राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। षड्यंत्र फैलाने का काम करता है और उसी ने ये षड्यंत्र फैला के पोस्टर लगवाए उनके लोगों ने। चिरम घाटी कांड को लेकर अब सियासत तूफान पर है। इस मामले में चश्मदीदों ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा को शक के दायरे में ला दिया है। इस मामले में कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नार्को टेस्ट करवाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए। लखमा के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी और भूचाल आ सकता है। मामले की न्यायिक जांच के दौरान गवाह और झीरम हमले में घायल हुए शिव नारायण द्विवेदी ने लखमा की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि हमले के दौरान उन्होंने नक्सलियों को कहा कि मैं कवासी लखमा हूं, तब नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित अन्य नेताओं को लेकर नक्सली जंगल में गए और बाद में गोलियां चलाने की आवाज आई। द्विवेदी तब कांग्रेस नेता थे, बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। झीरम मामले की हो रही उच्च स्तरीय जांच के दौरान आंखों देखी बयान में शिव नारायण के बयान के बाद इस मामले में बवाल मचा और 2 दिन से राजनीतिक गलियारे में ये घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर राज्य के पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा सहित 29 लोगों की हत्या कर दी थी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हमले में पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से राजधानी लौट आए थे।
नक्सलियों ने परिवर्तन यात्रा से लौट रहे कांग्रेस के काफिले पर लगातार 2 घंटे तक फायरिंग की थी। आयुर्वेद चिकित्सा महासंघ के अध्यक्ष व झीरम नरसंहार मामले के गवाह शिव नारायण द्विवेदी ने डीजीपी डीएम अवस्थी से मुलाकात करके सुरक्षा की मांग की। शिव नारायण को झीरम कांड में नक्सलियों की गोली लगी थी। प्रदेश भर के अतिथि विद्वान कमलनाथ सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में चली आ रही अतिथि विद्वान की न्याय यात्रा भोपाल पहुंची। अतिथि विद्वानों का कहना है कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र में वादा किया था उसको निभाएं। सरकार बनने के बाद कांग्रेस वचन पत्र में किए गए वादे को भूल गई है। अतिथि विद्वानों ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि राहुल गांधी ने वचन पत्र में अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लगभग 5,000 अतिथि विद्वान खफा हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड उजागर होने के बाद किसी ने फेसबुक पर हनी ट्रैप के नाम से अकाउंट बना दिया। इसमें हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड की मुख्य आरोपी श्वेता जैन का फोटो लगाया है। आईडी बनाने वाले ने अपना पता इजिप्ट की राजधानी कायरा का दिया है। यही नहीं, कुछ दिन में इसके करीब 400 फेसबुक फ्रेंड भी बन गए हैं। फेसबुक वॉल पर हनी ट्रैप कांड की खबरें भी अपलोड हैं। हनी ट्रैप कांड पर सोशल मीडिया पर ढेरों कहानियां चल रही हैं। ऐसे में किसी ने शरारतन यह फेसबुक अकाउंट बनाया है। सबसे पहले 8 अक्टूबर को 2 फोटो पोस्ट की गई। इसमें पहली पोस्ट में गोली मारता हुआ चित्र व दूसरा फोटो आतंकी का प्रतीकात्मक चित्र है। फिर 9 अक्टूबर को इसमें बदलाव आया। अपडेट प्रोफाइल फोटो श्वेता जैन का प्रोफाइल फोटो लगाया गया। फेसबुक पर स्टेटस डाला गया कि मुझे मुकाम पर पहुंचाने वालों तुम्हारा वही मुकाम होगा। इसके साथ ही उस पर एक पोस्ट के साथ लिखा गया कि सागर के नेताओं ने मुझे क्या बना दिया, मैं आ रही हूं, तुम्हें नेता बनाकर जाऊंगी। तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि किसानों को मुआवजा दें। पहले पटवारियों को उकसाया, अब तहसीलदारों को। ग्वालियर पहुंचे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं तहसीलदारों पटवारियों से अपील करता हूं कि सरकार के झांसे में ना आए। सरकार का ये सोचा समझा प्लान है। सरकार कर्ज माफी की तरह चाहती है कि अतिवृष्टि से हुई किसानों की फसल बर्बादी का मुआवजा ना देना पड़े। 10 दिन बाद फिर से बुवाई चालू हो जाएगी, जिससे सर्वे नहीं होगा और ना ही मुआवजा देना पड़ेगा। तहसीलदारों से भी निवेदन है और पटवारियों से भी मैंने पहले किया था कि शासन की ये चाल है, ये पूरा आंदोलन शासन का प्रायोजित है, इस चाल में ना आए। सरकार चाहती है कि कर्ज माफी की तरह किसान को जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं बांटना पड़े। नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर खजाना खाली था तो इन्वेस्टर समिट में जो पैसा लगा वो कहां से आया। मंत्री बंगलों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तबादलों में पैसा खर्च हो रहा है, मंत्रियों के ओएसडी के पास से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वो सब कहां से आए। 2,34,00,000 रुपए का बजट कहां से पास हुआ। नरोत्तम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह के किसानों के कर्ज माफी के बयान का स्वागत किया। सिंधिया जी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। मैं लक्ष्मण सिंह जी विधायक का और सिंधिया जी का इन दोनों बयान का स्वागत करता हूं। रीवा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर अशब्द लिखने के विरोध में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने एक दिवसीय उपवास किया और अपशब्द लिखने वाले को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। गौरतलब है कि बीते दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कटआउट पर शरारती तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने इसका जमकर विरोध किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने थाने पहुंचकर एफआईआर भी दर्ज कराई। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी की तस्वीर पर अपशब्द लिखना काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने रघुपति राघव राजा राम भजन भी गाया। रीवा में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसी लक्ष्मण बाग में इसी जगह हुई। किसी अशांत मन ने गांधी जी की एक तस्वीर पर देशद्रोही लिख दिया। आपको, मुझे और सारे विश्व को ये पता है
कि गांधी जी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि वो देश प्रेमी थे कि नहीं। हाँ, लेकिन ये उस व्यक्ति की और समाज में कुछ ऐसे हिस्से की मनोव्यथा जरूर बताता है, मनोदशा जरूर बताता है, जो अशांत है, जो परेशान है। टीकमगढ़ में जिला अभिभाषक संघ ने मंदसौर में एक वकील की गोली मारकर हत्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने सरकार को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। वकीलों ने ज्ञापन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। गौरतलब है कि एडवोकेट युवराज सिंह चौहान की मंदसौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में प्रदेश के वकील अब सड़कों पर उतर आए हैं। वकील संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए ताकि कोई भी आदमी हथियार लेकर कोर्ट परिसर के अंदर प्रवेश ना कर सके। अभिभाषक संघ ने कहा कि सरकार वचन पत्र के लिए वादे को निभाए और शीतकालीन सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। मंदसौर अधिवक्ता संघ के सदस्य युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर निशर्त हत्या कर दी है और मध्य प्रदेश में इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। अपने वचन पत्र में कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं तो हम आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन जल्दी से जल्दी पारित कर लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। अब इसमें हम आगे विचार करेंगे, सारे अधिवक्ता समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के बात रखेंगे, यदि नहीं होता है तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सीहोर जिला जेल में तमाम व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब मेन गेट के प्रहरी के पास से 50 ग्राम गांजे की पुड़िया बरामद की गई। जिला जेल प्रारंभ से विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं का केंद्र है, जिसकी समय समय पर कई प्रकार की शिकायतें सामने आती रही हैं। कैदियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह जेल चर्चित है। किसी कैदी के परिजन द्वारा सूचना दी गई कि जेल के अंदर कैदियों को गांजा आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तब तलाशी में यह मामला सामने आया। तलाशी में हमारे गेट कीपर राजन, ये हरिओम राठौर है प्रहरी, ये तलाशी लेते हैं अंदर, तो उन्होंने तलाशी ली तो उसके मतलब मोजे के अंदर से वो गांजे की पुड़िया 50 ग्राम के लगभग बरामद करी। उसको हमने तुरंत एसडीएम साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के सस्पेंड कर दिया। इसके बाद प्रकरण हमने पुलिस में दे दिया है मंडी थाना में, ठीक है। अब वो इसकी छानबीन करेंगे, कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लाया, उसके बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि जेल के मेन गेट पर तैनात प्रहरी राजेंद्र सिंह रघुवंशी की जेल के मेन गेट के भीतर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास गांजे की पुड़िया निकली, जिसका वजन किए जाने पर वो गांजा 50 ग्राम निकला। जेलर पन्नालाल ने इसकी सूचना मंडी थाने में दी, जिसके आधार पर मंडी पुलिस NDPS एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम कर जाँच की कार्यवाही शुरू कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गौ माता को अपशब्द टिप्पणी लिखने पर बैरागढ़ सैनिक कॉलोनी नुक्कड़ वाली माता मंदिर प्रांगण में संत गौ रक्षा उत्थान समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ एवं गौ माता की सेवा करके दिग्विजय सिंह को संदेश दिया कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तुमने समस्त हिंदू समाज के लोगों का अपमान किया है, जो कि हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने हिंदू समाज के विरोधी दिग्विजय सिंह को कड़ा झटका दिया था। हे गौ माता, आप उन्हें सद्बुद्धि दें, कम से कम वो आपके बारे में ऐसे शब्द कह रहे हैं, ऐसे शब्द जो सर्वनाश शब्द उन्होंने कहे उसके लिए वो गौ माता से माफी मांगे। मैं समझता हूँ अगर उन्होंने गौ माता से माफी नहीं मांगी तो उनके जब उनके प्राण इस धरती पर से छूटेंगे तो मैं समझता हूँ कोई देवी देवता उनको माफ नहीं करेगा। भगवती से प्रार्थना की कि दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हर पंचायत में गौशाला खुलवा रहे हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति के साथ ही गौ माता का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी से भी निवेदन किया है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट कर इंदौर भोपाल हाईवे पर बैठी गायों को आवारा कहा था और मुख्यमंत्री कमलनाथ से इन्हें तत्काल गौशाला पहुंचवाने की मांग की थी। गायों को आवारा कहने पर संगठन भड़क गया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हवन में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम बंसल, संत गौ रक्षा उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष राधे महाराज, बिहेप बजरंग दल के अर्चक पुरोहित पंडित रवि पटेरिया व अन्य लोग सम्मिलित हुए। आज उनका शासन है, कांग्रेस सरकार उनकी है, अगर वो चाहे तो सब सड़कों पे क्या गौ माता महलों में बैठे, घर घर बैठे, जो घोषणाएं उन्होंने की है, हर हिंदू धर्म वो चाहता है कि गौ माता की सेवा करे और उसकी पूजा पाठ करते ही है हिंदू धर्म, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि गौ माता है सिर्फ कटे और उसका दुराचार ही होता रहे गौ माता का। दिग्विजय सिंह जी आज ये उन्होंने साबित भी कर दिया ये कह के।
प्रांगण में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन रखाया, गौ माता की सेवा की और भगवान से प्रार्थना की जो भवसागर से पार करने वाली गौ माता उनको टिप्पणी करती है, जो भवसागर से पार करती हैं। इधर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरी पंचायतों में गौशाला बना रहे हैं, वहीं एक उनके नेता दिग्विजय सिंह इनका विरोध कर रहे हैं। तो मैं कमलनाथ जी से भी निवेदन करेंगे, ऐसे दिग्विजय सिंह को इस पार्टी से भी बर्खास्त करें कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नाम बदनाम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बचपन बचा आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने भोपाल में सुल्तानिया कन्या शासकीय शाला की छात्राओं के साथ एक रैली का आयोजन किया, जिसमें बालिकाओं ने मांग रखी कि शिक्षा के अधिकार में संशोधन कर उसे बालिकाओं के लिए 18 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य किया जाए। समाज में लड़कियों का भी शिक्षित होना उतना ही आवश्यक है जितना कि लड़कों का। रैली सुल्तानिया कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला से शहीद गेट तक निकाली गई। आयोजन के बाद छात्राओं ने अपनी बात लिखित रूप से महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी को सौंपी। हमने सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है जो, वहाँ की प्रिंसिपल मैडम के साथ मिलकर और बच्चों और स्टाफ के साथ मिलकर पहले बच्चियों के साथ में एक नारे का एक कंपटीशन किया, जिसमें बच्चों ने खुद नारे बना के लिखे इस पर बोर्ड पर, बच्चियों को अवगत कराया कि 11 अक्टूबर कैसे किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। और बच्चियों ने खुद ने ही एक पार्टिसिपेटरी सेशन में बच्चियों ने खुद ने बताया कि शिक्षा क्यों अनिवार्य है। तो यही सब हमने कार्यक्रम स्कूल में किया, उसके बाद हमने एक रैली सुल्तानिया स्कूल से ये शहीद गेट तक करी है। व्हाइट टाइगर सफारी में एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 2 शावक घूम फिर कर अपनी माँ से लिपट जाते हैं, जबकि एक का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। 3 शावक अपनी माँ के साथ बाड़े में हैं। शावकों पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। शावकों के पास जाने पर शेरनी हिंसक होने लगती है, ऐसे में शावक फिलहाल शेरनी के पास ही रखे गए हैं। वन विभाग का अमला इन शावकों और शेरनी की देखभाल में लगा हुआ है। शावकों के जन्म के बाद शेरनी की खुराक में बढ़ोतरी की गई है और उनकी नियमित जांच भी की जा रही है। रीवा से दुनिया भर में भेजे गए बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिरी बाघ के रूप में 8 जुलाई 1976 को विराट नाम के बाघ की मौत के बाद सफेद बाघों के बिना ही जंगल रहे। सतना और रीवा जिले की सीमा पर स्थित मांद रिजर्व क्षेत्र मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई। यहां पर भोपाल के वन विहार से 9 नवंबर 2015 में सफेद बाघिन विंध्या लाई गई। वर्तमान में मुकुंदपुर सफारी और चिड़ियाघर में सफेद बाघों के 2 जोड़े हैं, साथ ही 3 येलो टाइगर के साथ ही एक जोड़ा लायन भी है। व्हाइट टाइगर सफारी को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी अब मुकुंदपुर पहुंचने लगे हैं। रीवा की धरती से सफेद शेर मोहन के वंशज दुनिया के कई देशों में भेजे गए। जहां भी सफेद शेर हैं, वे कहीं ना कहीं मोहन के वंशज ही हैं। जयसिंहपुरा की सड़क पर मगरमच्छ घूम रहा था, उसे देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्तों की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर आए और उन्होंने रस्सी की मदद से पहले मगरमच्छ को काबू किया और इसके बाद उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। देर रात ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन अमले ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और पिंजरे में बंद कर उसे सुरक्षित स्थान पर छुड़वाया। जयसिंहपुरा गांव में देर रात कुत्तों की आवाज़ सुनकर ग्रामीण सकते में आ गए थे। उन्होंने घरों से बाहर की ओर झांका तो सड़क पर करीब 7 फीट से अधिक लंबा विशालकाय मगरमच्छ घूम रहा था। ग्रामीणों ने रस्सी और लाठी की मदद से पहले मगरमच्छ को काबू किया और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। वन विभाग के SDOP BP शर्मा की माने तो जयसिंहपुरा गांव के समीप से एक नाला बहता है, संभवतः इस नाले से निकलकर मगरमच्छ गांव की रहवासी क्षेत्र में आ गया होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।